स्टूडेंट अपने आईपीएससी नॉमिनिक्लेचर चल रहा था और आईपीएससी नॉमिनिक्लेचर के अंदर जो अपने पार्ट कंप्लीट कर लिया था वो पार्ट था कि नॉमिनिक्लेचर जिसके अंदर अपने क्या करता था कि जो अपने बोल सकते हैं जिसके अंदर जो मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं था ठीक है तो उसको अपने कंप्लीट कर लिया था। आज जो अपने स्टार्ट कर रहे हैं उसके अंदर अपने जो टॉपिक लिया जा रहा है वो टॉपिक है हमारे पास नॉमिनिक्लेचर ऑफ द कंपाउंड्स कंटेनिंग वन फंक्शनल ग्रुप, जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड होगा उसको अपने करेंगे यहाँ पर ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कौन से हैं, उसके अंदर सफिक्स क्या लगता है और उसके अंदर प्रीफिक्स क्या यूज़ में लिया जाता है वो मैं आपको पेज व्हाट्सएप नंबर पर आपके मैं सेंड कर चुका हूँ, तो वहाँ से अपने देखेंगे इसका सफिक्स क्या यूज़ में लिया जा रहा है और प्रीफिक्स क्या यूज़ में लिया जा रहा है। तो आज अपना जो टॉपिक रहेगा वो नॉमिनिक्लेचर किस पर बेस्ड रहेगा, फंक्शनल ग्रुप पर बेस्ड रहेगा कि फंक्शनल ग्रुप जब अपने यूज़ में लेते हैं तब नेम कैसे दिया जाता है। कल अपने सेकेंडरी प्रीफिक्स के ऊपर अपने देख लिया था ठीक है, आज अपने बात करेंगे कि आप फंक्शनल ग्रुप बोल सकते हैं या इसको क्या बोल सकते हैं अपने सेकेंडरी प्रीफिक्स भी नाम दिया जा सकता है। फंक्शनल ग्रुप को एक्चुअल में क्या कहा जाता है, सेकेंडरी सफिक्स बोला जा सकता है ठीक है। तो सेकेंडरी सफिक्स यूज़ में लेंगे अपने, प्राइमरी सफिक्स कौन से होते हैं उसके ऊपर अपने डिस्कस कर लिया था कि प्राइमरी सफिक्स का जो डिटेल भी अपने स्टडी की थी, प्राइमरी सफिक्स के अंदर अपने पास कौन सा था, एन यूज़ में लिया था, इन यूज़ में लिया था और आइन यूज़ में लिया था, ये प्राइमरी सफिक्स थे, इनको अपने डिटेल में स्टडी कर लिया था ठीक है। प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स कौन सा था उसको भी बारे में अपने जानते हैं कि जो प्राइमरी प्रीफिक्स है वो प्राइमरी प्रीफिक्स कौन सा होता है हमारे पास, साइक्लो ठीक है, जो साइक्लो कंपाउंड होता है, साइक्लिक कंपाउंड होता है, एलिसाइक्लिक कंपाउंड है उसके लिए आता है ठीक है। फिर जो सेकेंडरी प्रीफिक्स है उसके बारे में अपने बताया था, कल अपने डिस्कस किया था, जैसे अपने NH2 ग्रुप आ जाता, सॉरी जो NO2 ग्रुप आ जाता है, हैलोजन ग्रुप आ जाता है ठीक है, इसके अलावा एल्कोक्सी ग्रुप आ जाता है, ये जो तीनों थे जैसे नाइट्रो ग्रुप हो गया, ये हैलो ग्रुप हो गया और एल्कोक्सी ग्रुप हो गया, ये अपने पास सेकेंडरी प्रीफिक्स के अंदर आते हैं ठीक है। प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो हो गया, प्राइमरी सफिक्स एन ईन आइन हो गया ठीक है, ये सारा अपने स्टडी कर किया जा चुका है। अब अपने उस स्टडी में जो रखना है वो रखना है सेकेंडरी प्रीफिक्स, मतलब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूँ। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन क्या है वो अपने देख चुके थे, फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, अब इनके लिए जो रूल क्या है ठीक है। तो अपने यहाँ पर जो रूल कहता है इसके लिए अपने एक एग्जांपल से इसको अगर एक्सप्लेन करें, एग्जांपल लें अपने पहला एग्जांपल इसको समझने के लिए, ठीक है ये एग्जांपल देख सकते हो। तो अपने पास जो बाकी सारे रूल हैं वो तो पहले वाले लगते जाएंगे, अब जैसे जो भी अपने नया नाम स्टार्ट करते हैं उस नए नाम में क्या होता है, एक्चुअल में नए रूल इंक्लूड होते हैं, पुराने वाले रूल सेम रहते हैं, नए रूल को अपने इसके साथ क्या कर दिया जाता है, इंक्लूड कर दिया जाता है। अब नया रूल क्या कहता है अपने को ठीक है, अपने को सबसे पहले यहां पर यह कहता है कि जो अपने को क्या है कि लॉन्गेस्ट चेन को क्या करना है, सिलेक्ट करना है ठीक है, कौन सी चेन को अपने सिलेक्ट करना है, लॉन्गेस्ट चेन, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग द कार्बन एटम टू विच द फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड, दिस नॉन एज अपने पास फंक्शनल, अपने यहाँ पर क्या करना है कि ऐसी चेन को चूज करना है जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप अटैच रहे। तो अपने क्या करें, एक तो मैंने ये वाली चेन चूज की, लॉन्गेस्ट तो है ये 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, लेकिन अपने कह रहे हैं कि वो कार्बन उस लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट होना चाहिए जिसके अंदर क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, जिसके साथ कौन सा ग्रुप अटैच हो, फंक्शनल ग्रुप अटैच हो। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो CH2 ग्रुप है इसको आपको जो हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी या जो पैरेंट चेन होगी उसके अंदर इंक्लूड करना जरूरी है। तो इसका मतलब मैं जो चेन चूज करूंगा वो ये वाली करूंगा, लॉन्गेस्ट भी होनी चाहिए और लॉन्गेस्ट होने के साथ साथ वो कार्बन इंक्लूड होना चाहिए जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप को अटैच किया गया है ठीक है। तो इसका मतलब ये आपकी क्या बनती है, पैरेंट चेन है, ये कौन सी होगी, पैरेंट चेन होगी। पहले अपने जो ये अपने पिंक जो कलर से जो दिखाई थी वो क्या है हमारे पास, लॉन्गेस्ट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन तो ही 1 2 3 4 5 6 सिक्स कार्बन एटम है, लेकिन इसको अपने पैरेंट चेन की कैटेगरी में नहीं रखा। पैरेंट चेन में कार्बन देखें तो 1 2 3 4 5, तो पैरेंट चेन के अंदर कार्बन कितने हैं, 5 है। तो अपने को रूल ये कहता है कि
लॉन्गेस्ट चेन जरूरी नहीं है हमारी पेरेंट चेन बने, पेरेंट चेन वो होगी जिसके अंदर अपने कह रहे हैं कि जिस कार्बन के साथ में फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है। तो ये देखते हैं कि इसके अंदर जो OH है वो OH आपका फंक्शनल ग्रुप है, OH के आपका फंक्शनल ग्रुप है। तो कहता है कि फंक्शनल ग्रुप जो है उसका जो कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप अटैच रहता है वो कार्बन आपका जो मेन चेन है या जो पैरेंट चेन है उसके अंदर इंक्लूड होना चाहिए। तो ये आपकी मेन चेन है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन अपने बात की, पैरेंट चेन बात कर ली। अब पैरेंट चेन के अंदर नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5। अब नंबरिंग किस तरफ से स्टार्ट करेंगे, तो नंबरिंग स्टार्ट करने का रूल भी ये कहता है अपने को कि जो फंक्शनल ग्रुप है उस फंक्शनल ग्रुप को आपको क्या मिलना चाहिए, मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो इसको मिनिमम नंबर देना है, तो यहां से 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर मिल गए। तो आपने देखा कि ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गया, ये जो है वो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हो गया। ये आपने बोल सकते हैं इसको साइड चेन की फॉर्मेशन ये कर रहा है। तो ये सारा कुछ अपने इसको देखा। बाकी जो रूल है वो बाकी रूल जो अपने पहले भी फॉलो करते हैं वो सेम टू सेम रूल यहां पर लगेंगे, ठीक है। तो बाकी किसी तरह के रूल में आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो अब इसका नाम क्या देंगे, देख सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, ये जो फंक्शनल ग्रुप है वो एक्चुअल में हमारा क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज में होगा इसका। इसका क्या यूज करेंगे, सेकेंडरी सफिक्स यूज में लेंगे। और सेकेंडरी सफिक्स आपको जो टेबल है उस टेबल के अंदर अपने देखते हैं तो वो होता है ओल। सेकेंडरी सफिक्स क्या है इसका, OH का क्या होता है, ओल। और यहाँ पर ये आपका सब्स्टिट्यूटरी ग्रुप है, साइड चेन बन रही है, और साइड चेन का अपने क्या यूज मिलेंगे, प्रीफिक्स यूज मिलेंगे। और प्रीफिक्स इसका क्या यूज मिलेंगे, अपने देखिए दो कार्बन है और दो कार्बन के लिए जो प्रीफिक्स बनता है वो बन जाता है एथिल। कौन सा बन जाएगा, एथिल आपका इसका प्रीफिक्स बन जाएगा। तो अब अपने नेम दे देते हैं, देखते हैं कि जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है वो कौन से कार्बन के साथ अटैच है, सेकंड कार्बन के साथ अटैच है। तो आपने लिखा 2-ethyl, ठीक है, 2-ethyl। इसके बाद में आपके पास पेरेंट चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 2-ethyl-pentane। एन वर्ड यूज में लिया क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसके अंदर, ठीक है, पेंटेन। इसके बाद में ये किस पर कार्बन पर अटैच है, 1 पर अटैच है, तो 1-ol, तो 2-ethyl-pentane-1-ol इसका नेम हो गया। कोई दिक्कत इसके अंदर, ठीक है। तो ये अपने पास जो अब देखा यहां पर कि जो E है इस E को अपने यहां से क्या करा है, जो रिमूव कर दिया इसके अंदर, जो लास्ट में जो अपने पास वर्ड आता है तो वो कहता है कि बाकी सारा सेम रहेगा जो अपने इसका नेम लिखेंगे, बस लास्ट करना है कि इसके जो नाम में जो लास्ट में ई आता है उस ई वर्ड को अपने क्या कर देता है, यहाँ से रिमूव कर देना है अपने को, ठीक है। तो यहाँ से देखो अपने पास इसके साथ ई था जो अपने पास कहते हैं कि ANE, ठीक है, जो अपने पास प्राइमरी प्रीफिक्स में आता है जो वर्ड आता है वो ANE, एल्केन के लिए वर्ड आता है ANE, ठीक है। तो एल्केन के लिए ध्यान में रखने के अपने को, एल्केन के लिए जो प्राइमरी प्रीफिक्स था वो प्राइमरी प्रीफिक्स आपके लिए क्या था, ANE था, तो इस ई को क्या कर देंगे, यहां से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ई को रिमूव करेंगे तो ये बन जाएगा 2-ethyl-pentane-1-ol, इसका IPSC नेम बन जाता है। समझ में आ गया आपको इसका IPSC नेम। और एग्जाम्पल लेते हैं, हमने और एग्जाम्पल से डिस्कस किया जाए इसको। ठीक है, अब अपने देखो ये जो नेक्स्ट नेम है, तो आपको देखो जब भी ये फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर ऐड रहते हैं तो आपको पहला आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, वो ध्यान में रखना पड़ेगा आपको, वो पहचान आनी चाहिए। देख सकते हैं कि यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप यूज में लिया गया, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप यहां पर यूज में लिया गया। यहां पर ये वाला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, देखो ये भी आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो अपने कहते हैं कि यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। तो सबसे पहले आपको ये पहचान जरूरी है कि जो आपने चेन दी गई है या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया गया है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तभी तो आप इसका प्रीफिक्स या सफिक्स क्या यूज में लेंगे उसके बारे में आप बात कर सकते हैं या उसके बारे में अपने नेम लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहला काम आपको फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फंक्शनल ग्रुप कौन सा यूज में ले रहे हैं।
फिर वही काम आपको कहा कि जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप ऐड है उसको आपको पेरेंट चेन के अंदर इंक्लूड करना पड़ता है। तो ये अपने कहा कि जिसके अंदर फंक्शनल ग्रुप है उसको अपने पेरेंट चेन में क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया। फिर अपने कहते हैं नंबरिंग स्टार्ट करनी है, तो नंबरिंग देते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये भी मिल गया। इसके बाद देखा कि ये दो अपने पास क्या बन गई, साइड चेन बन गई, तो अपने साइड चेन का नंबर अपने को ध्यान है 4 नंबर पर, कार्बन पर है, तो आपने लिखा 4.4 डाई मैथिल, 4.4 डाई मैथिल। इसके बाद कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए पेंटेन। अब आपने बताया ई को क्या करना है, रिमूव करना है, तो ई को रिमूव कर दिया पेंटेन। फिर कौन से कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है, सेकंड कार्बन के साथ है 2, और इसके लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स एल्कोहलिक ग्रुप के लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज में लिया जाता है वो क्या यूज में लेते हैं अपने, ओल। तो इसका नाम क्या बन गया, 4-4 डाइमेथिल पेंटेन 2 ओल, इसका IPSC नेम बन गया। ठीक है, और एग्जाम्पल लें इसके बात करें तो यहाँ पर इसको नंबरिंग देनी है अपने को, तो ये आपकी पेरेंट चेन बन गई, बना दी पेरेंट चेन अपने। अब देखो यहाँ से जो जो CO ग्रुप कीटोनिक ग्रुप है उसको इक्वल नंबर मिला है, देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3, तो आप किसी तरफ से नंबरिंग दे दो 1, 2, 3, 4, 5, और इस तरफ से दिया 1, 2, 3, 4, 5, तो फंक्शन ग्रुप को इक्वल नंबर मिला। तो अपने को अगला रूल क्या ध्यान रखना है कि इसके अंदर कोई साइड चेन या सब्स्टिट्यूट ग्रुप अटैच है क्या, तो अपने देखा इसके साथ सब्स्टिट्यूट ग्रुप अटैच है, तो अपने को यहाँ पर दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे कि सब्स्टिट्यूट ग्रुप को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, तो इस वजह से जो नंबरिंग है मेरी वो ये वाली सही होगी और ये वाली नंबरिंग मेरी क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। तो आप इसका नाम क्या लिखोगे, देखो कौन से कार्बन के साथ अटैच है, सेकंड कार्बन के साथ, तो आपने कहा 2-methyl, ठीक है 2-methyl। फिर इसके अंदर क्या है अपने पास, देखो कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, तो पेंटेन ई को अपने क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे पेंटेन। अब ये ग्रुप कहां से कार्बन पर लगा हुआ है, 3 पर लगा हुआ है 3, ठीक है। कीटोनिक ग्रुप के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज में लेते हैं वो सेकेंडरी सफिक्स यूज में लेते हैं अपने ओन, क्या यूज में लेते हैं अपने ओन, तो इसका जो नेम बना 2-methyl pentane 2-ol, इसका IPSC नेम बन गया। ठीक है, तो ये अपने इसका सेकेंडरी सफिक्स को अपने यूज़ में लेते हुए अपने इसका नाम दिया कि इसका नाम क्या बनता है। ठीक है, और एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल में इसको डिस्कस किया जाता है। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, देखिए एक इस रूल को थोड़ा सा आगे और बढ़ाएं, और आगे बढ़ाते हुए मैं कहता हूँ कि कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर कार्बन होता है, कुछ ऐसे फंक्शनल ग्रुप भी होते हैं जिसके अंदर क्या होता है, कार्बन को इंक्लूड किया जाता है, कार्बन उसके अंदर पहले से मौजूद होता है। ठीक है, तो आपने कह सकते हैं कि जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर कार्बन ऐड होते हैं, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं अपने, देखे कौन कौन से हो सकता है, CHO हो गया, COOH हो गया, COCl हो गया, CONH2 ग्रुप हो गया, साइनाइड ग्रुप हो गया, CN ग्रुप हो गया। ठीक है, तो ये सारे जो अपने फंक्शनल ग्रुप देख रहे हैं, इसके अलावा अपने पास हो सकता है COOR ग्रुप भी हो सकता है, R का मतलब एल्किल ग्रुप है अपने पास, तो ये सभी फंक्शनल ग्रुप देखो जिसके अंदर क्या ऐड है, पहले से कार्बन मौजूद है। ठीक है, तो अभी तक तो आपने कहा था कि जैसे अपने एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर, तो इसको अपने अगर इंक्लूड करना है, ठीक है, तो अभी तक तो ये था कि अपने को जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है उसको इंक्लूड करना है, लेकिन यहाँ पर इस फंक्शनल ग्रुप में खुद भी कार्बन है, तो इसका मतलब ये खुद पेरेंट चेन में इंक्लूड होगा, और इसको नंबर अब क्या दोगे आप, 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और इसको 5 नंबर देंगे। ठीक है, तो पहले जैसे OH वाला एग्जांपल करवाया था आपको या कीटोनिक ग्रुप का एग्जांपल, तो वहां पर उसके अंदर खुद में इंक्लूड कार्बन नहीं था, लेकिन यहां पर कार्बन इंक्लूड है, तो उस कार्बन को आपको नंबर देना पड़ेगा। तो इस कार्बन को जब आप नंबर दोगे और नंबर देने के बाद में इसका जब आप IPSC नेम लिखोगे, तो आप देख सकते हैं इसके अंदर दो तो अपने पास क्या है, साइड चेन बन रही है, एक और दो कहां कहां पर लगी हुई है, सेकंड कार्बन पर और थर्ड कार्बन पर, तो आपने लिखा 2-ethyl 3-methyl। ठीक है, यही है सेम। फिर कार्बन कितने देखो, 5, तो अपने पास 5 कार्बन के लिए क्या जाता है, पेंटेन। अब आपको पता है ई को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा, तो पेंटेन
फिर क्या हो जाएगा वन, ठीक है। और इसके लिए जो सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज में लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, एल यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो कहता है कि ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर कार्बन इंक्लूड होता है उसका नाम आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो मैंने यहां से वन को रिमूव कर दिया क्योंकि यहां पर आपको पता है कि जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है उसको वन नंबर देना ही पड़ेगा, तो वन नंबर देना पड़ेगा, तो आप इसको ऐसे न लिखो, आप इसको डायरेक्ट लिख दो पेंटेनल, ठीक है। एल को सीधा इसके साथ में ऐड भी कर सकते हो, तो ये भी किया जा सकता है। और ज्यादा जो चीज देखने को मिलती है इन नेम में, आपको ये चीज ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। तो थोड़ी थोड़ी बातें जो है वो मिलकर आईपीएससी को ज्यादा अच्छा अपने पास बना देती है, ठीक है। इसी तरह से अपने पास बात करें कि जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसका, इसमें ठीक है, ये समझ में आ गया आपको कि जिनके अंदर कार्बन के अंदर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन मौजूद है उसका आपको नंबर शो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसको आपको मिनिमम नंबर देना है, वन नंबर या फर्स्ट नंबर देना ही है। तो जब फर्स्ट नंबर देना है तो उसको वन इंक्लूड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप उसका नेम लिख सकते हो। अब आपने देखा नेक्स्ट एग्जांपल, यहाँ पर देखो सी डब्ल्यू एच ग्रुप आया, मतलब फंक्शनल ग्रुप के अंदर खुद में कार्बन आ रहा है, तो आपने ये वाली चेन चूज कर लोगे, इसको मिनिमम नंबर देना ही पड़ेगा और नंबर कितना मिलेगा वन, तो वन टू थ्री फोर फाइव ये नंबर दे दिए। अब आपने देखा कि यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूट ग्रुप है वो वन टू और ये भी हो गया अपने पास, ठीक है। तो आईपीएससी मैथिल और ये क्या आ रहा है ब्रोमो, तो आपने इसका जो नेम देंगे वो क्या बन जाएगा, इसका थ्री ब्रोमो, ठीक है, 4.4 डाइमेथिल, ठीक है। कार्बन कितने, फिर 5 आ गए तो पेंटेन। अब आपको ई यहां से क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, ठीक है, तो पेंटेन। अब उसके साथ में आप क्या करेंगे कि जो इसके लिए सी डब्ल्यू एच के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स यूज में लिया जाता है वो आप देख सकते हो, वो क्या होता है ओइक एसिड। क्या है इसका सेकेंडरी सफिक्स, ओइक एसिड, तो आपने पेंटेन नोइक एसिड, ठीक है, इसके लिए साथ आप ऐड क्या कर दोगे, पेंटेनोइक एसिड। तो आपने देखा यहां पर जो वन है वो वन आपको यहां पर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, आपको इसको ऐसे नहीं लिखा आपने पेंटेन वन ओइक एसिड, ये वर्ड आपको लिखने की यहां पर जरूरत नहीं पड़ी, पेंटेन वन ओइक एसिड आपने इसको नहीं लिखा, ठीक है। इस फॉर्म में आप इसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट उसके साथ क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। इसी तरह से इस एग्जांपल में भी देख सकते हैं अपने, ठीक है, इसको वन नंबर देंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, तो आपके पास ये क्या बन गई इसके अंदर साइड चेन बन गई, कौन से नंबर कार्बन पर ऐड है, थर्ड कार्बन पर, तो आपने इसका नेम क्या दे दिया, थ्री मैथिल, थ्री मैथिल हो गया। फिर आपके पास वही सेम बात, कार्बन कितने आ गए फाइव, तो क्या हो गया पेंटेन, और ई को आपको क्या कर देना है, रिमूव कर देना है पेंटेन, ठीक है। अब सी ओ एन एच टू जो ग्रुप आ रहा है, इस सी ओ एन एच टू ग्रुप के लिए अपने इसमें जो वर्ड यूज में लिया जाता है वो क्या लिया जाता है, एमाइड। इसके लिए जो सेकेंडरी सफिक्स होता है वो क्या होता है, एमाइड होता है। सेकेंडरी सफिक्स क्या है इसके लिए, एमाइड वर्ड को यूज में अपने लिया जाता है। तो आपने क्या किया, पेंटेन नामाइड, थ्री मैथिल पेंटेनामाइड, इसका नाम अपने बना देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि अगर अपने पास यहां से आप बहुत से और एग्जांपल भी कर सकते हैं, मैंने आपको दो या तीन एग्जांपल देकर फंक्शनल ग्रुप को यूज कैसे किया जाता है उसके बारे में अपने डिस्कस किया, ठीक है। अब अपने यहां पर बात करते हैं कि अगर अलग अलग फंक्शनल ग्रुप अगर अपने पास दिए हुए हैं तो उसको अपने नेम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो उसकी मैं बात करता हूँ। यहाँ पर एक एक फंक्शनल ग्रुप को अपने डिटेल में स्टडी किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले जो अपने इसमें फंक्शनल ग्रुप आता है उसके बारे में अपने यहाँ पर देख चुका, एल्कोहलिक के लिए अपने यूज़ में बात कर ली। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पर किसके लिए, ईथर के लिए बात कर लेता हूँ अगर, ठीक है। एल्कोहल के लिए अपने बात कर चुके हैं कि एल्कोहल कौन सा है, सबसे पहले बात करते हैं अपने अल्कोहल की। अगर फंक्शनल ग्रुप आपके पास कौन सा हो, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप हो, तो इसका जो नेम बनता है, ठीक है, आप मोनोहाइड्रिक की बात करेंगे, अभी मैंने वन फंक्शनल ग्रुप की बात कर रहा हूं, तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर मोनोहाइड्रिक
अल्कोहल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मोनोहाइड्रिक मतलब जिसमें एक OH ग्रुप होगा, ठीक है, उसकी बात अपने कर रहे हैं यहाँ पर। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का अपने नाम दे सकते हैं एल्केन, ठीक है। इसका नाम क्या बनेगा, देखो एल्केन, और अपने क्या करना है, ई को रिमूव करना ही है, तो एल्केनोल। इनका आईपीएसी नेम क्या बन जाता है, एल्केनोल बन जाता है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल या एल्केनोल इसका नेम बनेगा। अब इनका जो जनरल फॉर्मूला है, ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, जनरल फॉर्मूला भी देख लें अल्कोहल का, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का। तो जनरल फॉर्मूला CnH2n+1OH, या आप इसको कह सकते हैं CnH2n+2O, ये भी इसका जनरल फॉर्मूला कहा जा सकता है। तो अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला हो गया वो ये हो गया। अब इसके अंदर आपके पास सफिक्स और प्रीफिक्स आप क्या यूज़ में लेते हैं, तो वो देखेंगे अपने पास, ठीक है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि यहाँ से आपने इसमें जो सफिक्स है वो सफिक्स सेकेंडरी ही होगा, ये तो पहले से बात क्लियर है। तो सफिक्स क्या यूज़ में लेंगे इसके लिए, ओल यूज़ में लिया जाएगा। और कई जगह अगर इसका प्रीफिक्स भी अगर यूज़ में लेना पड़ जाए अपने को, वो भी कंडीशन करेंगे प्रीफिक्स क्या यूज़ में लेंगे, तो इसका जो प्रीफिक्स बनता है वो बनता है हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स क्या है, हाइड्रोक्सी। सफिक्स क्या है, ओल है, ठीक है। और आपको बता दिया नेम कैसे लिखेंगे, देखो जो मेन कंपोनेंट्स है एल्केन, तो एल्केन में क्या कहता है कि जो टर्मिनल एंड पर जो ई लगा हुआ है, इस ई को क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे, उसके साथ ऐड कर दोगे ओल, तो इसका जो नेम बनाया वो क्या बना, एल्केनोल इसका नेम बन जाता है, ठीक है। तो सफिक्स इसका ओल है, प्रीफिक्स इसका क्या है, हाइड्रोक्सी है। तो दोनों के ऊपर हमने बात कर ली, इसका सफिक्स क्या है और प्रीफिक्स क्या है, ठीक है। तो आप इसका जो नेम है वो नेम देख सकते थे अपने पास। एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, एक सिंपल से एग्जांपल से इसको क्लियर कर देता हूँ। अब ये एग्जांपल है, तो अपने को बताया हुआ है कि जो OH ग्रुप है उस OH ग्रुप को अपने को मिनिमम नंबर देने की कोशिश करनी है, और मिनिमम नंबर इसको जब देंगे तो अपने पास ये सीरीज बन जाएगी यहाँ पर, और 1, 2, 3, 4। तो नेम क्या बन गया इसका, देखो अपने पास कितने कार्बन है, 4। तो 4 के लिए क्या हो जाता है, देखो ब्यूटेन, ई को रिमूव कर देना है, ब्यूटेन, ठीक है, 2-ol, ब्यूटेन 2-ol इसका आईपीएसी नेम बन जाता है, ठीक है। तो ये तो गया मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के बारे में, कि अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल अगर यूज़ में लिया जा रहा है तो उसका नेम अपने कैसे देंगे। अगर OH का नंबर मोर देन वन है, मतलब आपके पास दो OH ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं तो अपने इसको डाईहाइड्रिक अल्कोहल बोल दिया जाता है, ठीक है। और अगर तीन जुड़े हुए हैं तो उसको ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल बोल दिया जाता है। तो उनकी बात अगर मैं करूँ यहाँ पर, डाईहाइड्रिक अल्कोहल, अब डाईहाइड्रिक अल्कोहल मीन्स जिसके अंदर जो OH ग्रुप होंगे उन OH ग्रुप का नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाता है, ठीक। अब ये ध्यान रखने वाली बात है, मैं ये बात करता हूँ डाईहाइड्रिक अल्कोहल, देखो डाईहाइड्रिक अल्कोहल OH, एक तो ये हुआ, कभी भी एक कार्बन पर दो OH ग्रुप नहीं आ सकते, ये भी ध्यान रखना है। डाईहाइड्रिक अल्कोहल में कभी भी एक कार्बन पर दो OH ग्रुप कभी भी नहीं आ सकते। इसका कारण क्या है, इसका रीज़न क्या है, कि अगर एक कार्बन पर दो OH ग्रुप आ जाते हैं तो वो क्या हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है। ऐसी जो स्पीसीज है वो क्या होती है, अनस्टेबल होती है, ये भी ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। और ये अनस्टेबल होकर इसमें से क्या हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है और किसकी फॉर्मेशन कर देता है, ये कीटोन की फॉर्मेशन कर देता है। कौन सा ग्रुप बन जाता है, ये कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, जिसके अंदर दो OH ग्रुप होते हैं लेकिन वो दो OH ग्रुप सेम कार्बन एटम पर नहीं आ सकते, वो दो OH ग्रुप डिफरेंट कार्बन एटम पर आते हैं। वो डिफरेंट कार्बन एटम कौन से हो सकते हैं, नेबरिंग कार्बन एटम भी हो सकते हैं, जैसे अपने यहाँ पर ये डिस्कस किया तो नेबरिंग कार्बन एटम हो गए, या जो दोनों हैं वो नेबरिंग कार्बन एटम से अलग भी हो सकते हैं अपने पास, ठीक है। ये चीज़ आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन जो डाईहाइड्रिक अल्कोहल की बात की जाए, कभी भी एक कार्बन पर मोर देन वन OH ग्रुप नहीं आ सकते, दो भी नहीं आ सकते, तीन भी नहीं आ सकते, ये चीज़ कभी भी नहीं हो सकती अपने पास। इसी तरह से अब इसका नेम क्या बनेगा अपने पास, तो अपने इसके नेम में क्या ऐड कर देंगे कि जो अपने बात की है, जैसे कि एग्जाम्पल है इसका CH2CH2OHOH, तो अब यहाँ पर देखो कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं आपको, 2 कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो 2 कार्बन के लिए अपने पास नाम जो बनेगा इसका क्या बन जाएगा, एथेन,
क्या हो जाएगा, एथेन। अब ई को रिमूव नहीं करना है, ध्यान रखना है कि जो इस टाइप से अगर मोर देन टू हाइड्रो OH ग्रुप अगर ऐड रहते हैं तब आप ई को रिमूव नहीं करेंगे, तो एथेन डाइओल ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। तो टर्मिनल एंड पर जो ई है उस ई को अब देखो अपने यहाँ रिमूव नहीं किया गया, कब, जब डाइहाइड्रिकल ग्रुप था, तो उसमें अपने टर्मिनल एंड पर जो OH मौजूद है उसको अपने ई को रिमूव नहीं करेंगे। और एग्जाम्पल ले सकते हैं इसके, ठीक है, तो ये कितने कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गए, तो आप इसको क्या बोल दोगे, प्रोपेन, क्या नाम दे दोगे इसको, प्रोपेन। और इसके साथ इसका नंबर देना आप जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि देखो प्रोपेन ये भी प्रोपेन की कैटेगरी में ही आ रहा है, ठीक है। और एक एग्जांपल अगर मैं और लेता हूं, देखो ये अगर इसको ऐसे कर देता हूं तो ये भी प्रोपेन है, लेकिन यहां पर OH का नंबर डिफरेंट है, 1 2 3, तो यह तो हो गया प्रोपेन 1 3 डाइओल, इसमें नाम क्या बना इसका, प्रोपेन 1 3 डाइओल नाम बना इसका। और यहां पर अगर नाम देखा जाए तो यहां पर इसका नाम क्या बनता है, प्रोपेन 1 2 डाइओल, ठीक है। तो दोनों में नंबर अपने को देना पड़ेगा, नंबर को शो करना पड़ेगा कि दोनों कंडीशन में जो नंबर है वो नंबर इसके क्या मिल रहे हैं, अपने को अलग अलग नंबर आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। इसी तरह से अपने पास आ सकता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल की बात कर सकते हैं, तो उसमें भी ध्यान रखना है अपने को कभी भी एक कार्बन पर दो OH ग्रुप को ऐड नहीं करना है। अगर एक कार्बन पर जब भी दो OH ग्रुप ऐड होते हैं वो अनस्टेबल हो जाता है और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। यहां पर देखें, जैसे आपने एक कार्बन पर दो OH ग्रुप अगर ऐड कर रहे हो तो क्या होगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाए, 3 भी OH रिलीज कर दिया, अब 3 हो गए ना यहाँ पर, तो अब देखो इसमें माइनस H2 हो गया और ये जो ग्रुप है वो यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर एक कार्बन पर दो OH ग्रुप थे तो अनस्टेबल था और उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होकर वो किस में कन्वर्ट हुआ था, कीटोनिक ग्रुप में कन्वर्ट हुआ था। और यहाँ पर अगर कह रहा हूँ कि एक कार्बन पर अगर 3 OH ग्रुप है तो भी वो अनस्टेबल है और इस कंडीशन में से वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करके आप इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो चीज़ है वो भी हमारे पास क्या रहती है, अनस्टेबल स्पीसीज की कैटेगरी में आती है। तो यहाँ पर भी इसके अंदर अनस्टेबिलिटी ही आपको देखने को मिलेगी, तो इसका मतलब यहाँ पर भी आपको डिफरेंट कार्बन एटम के ऊपर जो ग्रुप है वो ऐड करना है। जैसे मैंने ये वाली जो स्ट्रक्चर बनाई तो अब इसमें देख सकते हैं कि तीनों जो OH ग्रुप है वो डिफरेंट कार्बन एटम के ऊपर हैं। इस कंडीशन में इसका जो नेम बनेगा देखो क्या हो जाएगा, प्रोपेन, अब ई को रिमूव नहीं करना, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल इसका नाम बन जाता है। तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल इसका नाम बन जाता है, ठीक है। इसको अपने कॉमनली जो अपने ग्लिसरॉल भी इसको नाम दिया जा सकता है, ठीक है। तो ग्लिसरॉल इसी को ही कहा जाता है या ग्लिसरीन जिसको बोल रहे हैं वो ये बनता है इसके अंदर। तो ये अपने अगर अल्कोहल के जो फंक्शनल ग्रुप था और अल्कोहल के फंक्शनल ग्रुप के अंदर अपने नेम किस तरह से दिया जाता है उसके बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट मैं अपने जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है उसको डिस्कस करेंगे, तो पहले अपने एक एक फंक्शनल ग्रुप को डिस्कस कर लिया जाएगा और फिर इनको क्या कर दिया जाएगा, अपने मिक्स करके भी इनको डिस्कस करेंगे अपने।